रांची टेस्ट की पहली पारी में 60 रन बनाते ही यशस्वी जायसवाल ने राहुल द्रविड़ को छोड़ा पीछे। इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में राहुल द्रविड़ दूसरे खिलाड़ी थे, पहले नंबर पर विराट कोहली हैं। यशस्वी ने द्रविड़ को पीछे छोड़कर रिकॉर्ड अपने नाम किया। द्रविड़ ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 मैचों की 6 पारियों में 602 रन बनाए थे। यशस्वी के नाम 7 पारियों में 618 रन हो गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में नहीं चला रोहित शर्मा का बल्ला, 2 रन बनाकर लौटे पवेलियन। जेम्स एंडरसन ने लिया रोहित का विकेट। राजकोट टेस्ट में रोहित ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा था। 4 मैचों की 7 पारियों में रोहित के नाम है 242 रन। भारत के खिलाफ रांची टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी 353 रनों पर सिमटी। जो रूट 122 रन बनाकर रहे नॉट आउट, जबकि ओली रॉबिन्सन ने 58 रन की पारी खेली। भारतीय गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने हासिल किए 4 विकेट, आकाशदीप को 3 और जबकि मोहम्मद सिराज को 2 विकेट हासिल हुए। सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान ने रणजी ट्रॉफी में मचाया बल्ले से धमाल। मुशीर ने क्वार्टर फाइनल में बड़ौदा के खिलाफ नाबाद दोहरा शतक जमाया। 18 चौकों की मदद से मुशीर ने 203 रन की पारी खेली। इस दौरान मुशीर ने 357 गेंदों का सामना किया। चोट की वजह से आईपीएल से बाहर होने वाले मोहम्मद शमी पर बड़ा अपडेट सामने आया है। शमी के टी20 वर्ल्ड कप खेलने पर भी सस्पेंस बरकरार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शमी बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बाद ही टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे। शमी वनडे वर्ल्ड कप के बाद से एक्शन से दूर है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत आईपीएल में वापसी के लिए तैयार है। पंत इस सीजन में अपने कमबैक को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। फैंस ने एक इंटरव्यू में बताया कि आईपीएल में सिर्फ क्रिकेट नहीं होता है, इसमें फैंस की भी अहमियत काफी होती है। फैंस हर एक मैच को काफी यादगार बनाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिसबाह उल हक ने एमएस धोनी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। मिसबाह ने मोहम्मद रिजवान की तुलना धोनी से की है। मिसबाह के मुताबिक रिजवान के अंदर धोनी की कप्तानी जैसी क्वालिटी है। आपको बता दें रिजवान इस वक्त पीएसएल में मुल्तान सुल्तान के कप्तान हैं। डेविड वार्नर की चोट ने किया दिल्ली कैपिटल्स को परेशान। वार्नर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में लिया हिस्सा। कमर में चोट के चलते तीसरे मैच से वार्नर हुए बाहर। आईपीएल शुरू होने में 1 महीने से कम का समय बचा है, ऐसे में दिल्ली के लिए खबर टेंशन देने वाली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। पाकिस्तान टीम के लिए विदेशी कोचिंग स्टाफ का सिलेक्शन किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीबी के नए चेयरमैन मोहसिन नकवी की देखरेख में टीम के लिए विदेशी कोचिंग स्टाफ की तलाश की जा रही है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मैच ऑकलैंड में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे चल रहा है। वेलिंगटन और ऑकलैंड में खेले गए पहले और दूसरे टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को मात दी थी। सीरीज में लाश बचाने के लिए कीवी टीम को तीसरा टी20 हर हाल में जीतना होगा।